So hello students and welcome to our channel Edu and Ten Man. So students, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स. और इसके एक दो एग्जांपल्स भी हम करने वाले हैं. तो पूरा वीडियो जरूर देखें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो लेट्स स्टार्ट विद सम जोश. हाउ इज द जोश? हाई सर. हाउ इज द जोश? हाई सर. आई सेड हाउ इज द जोश? हाई सर. स्टूडेंट्स, हम पहले समझते हैं कि ये बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है. तो बीपीटी क्या है, हम ये समझते हैं सीधा एग्जांपल से ही. क्या बोलता है स्टेटमेंट, मतलब ये एक ट्रायंगल है. इफ एबीसी, ट्रायंगल का नाम है एबीसी. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, then this line will divide the other two sides of the triangle in a same ratio. ये इसका statement. तो simple भाषा में ये D क्या करेगा कि ये दोनों को equal proportion में divide करेगा. ये है हमारा BPT. तो इसका मतलब क्या होगा? तो AD upon DB equals to AE upon EC. तो यही है ये simple बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT हमारा, कि ये जो लाइन है वो वन साइड ऑफ द ट्रायंगल के पैरेलल है और टू अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सो ये जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा. मतलब क्या है उसका सीधा सिंपल, कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. तो ये है हमारा BPT. अब इसको फटाफट से प्रूव भी कर लेते हैं कैसे प्रूव होगा. ठीक है, तो ऐसे में एक ये इंटरसेक्टिंग लाइन बना लेता हूं दोनों. ये दो हमने बना ली लाइन. ठीक है, और ये एक ये 90 डिग्री एंगल पे कट करता हुआ ये एल्टीट्यूड, और इस पॉइंट से ये एल्टीट्यूड, ये भी 90 डिग्री पे कट करता है. दो एल्टीट्यूड मैंने बना लिए. ठीक है, और ये मैंने दो साइड, ये दो पॉइंट को ई और बी को ज्वाइन करके और डी और सी को ज्वाइन करके लाइन बना लिए. अब क्या करेंगे, हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. ठीक है, अब पहले हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई. तो क्या होगा इसका एरिया, हाफ इंटू हमारा बेस ए डी इंटू हमारा एल्टीट्यूड ई, और ये हम पॉइंट बोल लेते हैं एम एन एन. ठीक है, तो ई एम. ठीक है, ये होगा हमारा. और एक तरीके से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी लिख सकता हूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और क्या होगा हमारा, हाफ इंटू ये होगा हमारा बेस ए ई इंटू हमारा एल्टीट्यूड डी एन. तो ये दो तरीके होंगे ये एक ही ट्राइंगल के एरिया लिखने के लिए. और अब मैं चाहता हूं कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. तो इसमें बेस क्या है हमारा, तो हाफ इंटू बी डी, आल्टीट्यूड तो हमारा ये रहेगा ई एम. ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारा डी सी ई. डी सी ई क्या होगा हमारा, हाफ इंटू हमारा बेस ई सी है और आल्टीट्यूड है हमारा डी एन. ठीक है, तो ये मुझे चार ट्राइंगल्स के एरिया मुझे पता चल गए. अब हमको ये पता है कि ये जो ट्राइंगल है, ये दो बी डी ई और डी ई सी, ये सेम पैरेलल्स के बीच में है और इसका बेस भी एक ही है, वो है डी ई. ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा ये इक्वल होगा. और ये तो ट्राइंगल ए डी ए डी है, तो ये भी एरिया इक्वल ही है. तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी. Area of triangle AD equals to area of triangle ADE. ठीक है, ये दोनों तो इक्वल ही है और हमको पता है कि BDE और DEC का भी एरिया इक्वल ही है. तो अपॉन में लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू, ये तो इक्वल्स टू साइन आएगा, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC. ठीक है, अब क्या होगा देखो,
हमको सारे एरियाज के ट्राइंगल पता है, तो मैं पहले लिखूंगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, ठीक है, अपॉन हाफ इंटू बी डी, क्या है हमारा बी डी इंटू ई एम, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू हमारा है ए ई इंटू डी एन, ए ई इंटू डी एन अपॉन हाफ इंटू ये है ई सी इंटू डी एन, ठीक है, ई सी इंटू डी एन, ये ई एम ई एम कैंसल, ये डी एन डी एन कैंसल, ठीक है, आप थोड़ा देयरफॉर सो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये हाफ हाफ भी कैंसल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा लास्ट में ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, तो ये तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है, तो आपको ये प्रूफ समझना इस थ्योरम का, तो मैंने वो भी आपको प्रूफ समझा लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, तो बीपीटी जो हमने समझा कि एक जो लाइन है डी ई वो वन साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल है और दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो जो दो साइड है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, अब इसका उल्टा भी लेंगे तो वो भी ट्रू होगा, उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब हमको क्या दिया होगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, देन अगर हमारा ट्राइंगल है समझने की कोशिश कीजिए और एक लाइन है डी ई, समझ लो ये पैरेलल नहीं है, इसमें अभी बोला नहीं है, ये अभी हम थ्योरम समझ रहे ए बी एंड सी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी, अगर आपको ये दिया हुआ है तो हमको इससे ये पता चल जाता है ये जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल ही है, अगर ये कंडीशन हमको पहले से दी हुई तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो ये है कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बी पी टी क्या था कि ये पैरेलल हमको दिया हुआ था, इससे हमने क्या पता लगा लिया कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, इसमें हमको क्या पहले से बोला हुआ है कि डी ई एक लाइन है और ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो इससे हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर आप इसका भी प्रूफ जाना चाहता हो तो मैं आपको इसका भी प्रूफ अभी बता रहा हूं। आप सपोज कीजिए कि ये जो डी है ये बी सी के पैरेलल नहीं है, मैं एक और लाइन ले लेता हूं जिसका मैं नाम ले लेता हूं डी ई डैश, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो डी ई डैश है ये बी सी के पैरेलल है, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल नहीं हमने ये मान लिया, अब क्या करूंगा कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो मतलब ये डी ई डैश ये दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करना चाहिए, मतलब हम इससे क्या लिख सकता हूं मैं के ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, और हमारे पास ये कंडीशन तो पहले से ही है और हमने ये कंडीशन डिराइव की क्योंकि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो हम क्या देखो देख ए डी बाई डी बी कॉमन है तो वन एंड टू मैं क्या बोल सकता हूं कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें मैं ये प्लस वन यहां पे वन प्लस और यहां पे प्लस वन कर रहा हूं, तो ये प्लस वन कैंसिल हो जाता है, तो इससे क्या होता है देखो कि ई सी प्लस ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, तो स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने प्लस वन दोनों साइड कर लिया, ठीक है, और मैंने फिर एलसीएम ले लिया, अब ई सी प्लस ए ई क्या है, ई सी प्लस ए ई तो हमारे ए सी है, ठीक है, ए सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो वो भी तो ए सी ही है अपॉन ई डैश सी, तो देखो ए सी इज इक्वल्स टू ए सी बराबर है, पर इससे ये इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि ई सी जो है वो इक्वल्स टू ई डैश सी है, मतलब जो ई डैश है वो ई डैश और ई जी ये दो पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ई एंड ई डैश आर कोइंसाइडिंग पॉइंट, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, तो स्टूडेंट्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स पूछते हैं, मतलब हमको क्या दिया होगा कि एक ट्राइंगल दिया होगा ए बी सी
और हमको बोला होगा कि ये जो लाइन है डी वो बीसी के पैरेलल है, तो हमको इससे पता चल गया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमको क्या दिया होगा कि इसका लेंथ दिया होगा, इसका लेंथ दिया होगा, इसका लेंथ दिया होगा और इसका पूछ लिया होगा, मतलब थ्री अननोन होंगे और एक, अरे थ्री नोन होंगे और एक अननोन होगा। तो आपको पता ये फॉर्मूला क्या है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिखेंगे बाय BPT, ठीक है बाय BPT। हमको इस AD की वैल्यू क्या है x है, DB क्या y है, AE क्या z है और EC का हमको पता नहीं है। तो ये कोई भी थ्री नॉन वैल्यू होंगे और एक अननोन वैल्यू होगा जिसका आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो स्टूडेंट्स अब ये एक एग्जांपल है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.2 का। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और हमको बोला है कि जो DF है ये है AE के पैरेलल, AE एक लाइन ड्रॉ की है उसके पैरेलल DF है और ये जो DE है ये AC के पैरेलल है। DF इज पैरेलल टू DF इज पैरेलल टू AE एंड DE इज पैरेलल टू AC, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हमको ये कंडीशन दी है कि कोई एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और वो ट्रायंगल है, ये हमारा जो पहला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे ये ट्रायंगल, ठीक है ये हमारा पहला ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल में क्या पता चल रहा है कि AE के पैरेलल DF है, सो ये दोनों लाइन को वो प्रोपोर्शनल डिवाइड हो जाएगा, तो ठीक है। तो फटाफट से वही लिख लेना है कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BD अपॉन DA। सबसे पहले तो ये हमको समझ में आ गया है कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BD अपॉन DA बाय BPT। और एक और कंडीशन ये कि जो D ही है वो पैरेलल टू AC है। अब हम पूरा ट्रायंगल ABC को कंसीडर करेंगे, यहां पे लिख लेता हूं इन ट्रायंगल ABE और इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू EC, तो BC और BA को ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि BE अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन DA बाय BPT, ठीक है। ये इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हो गया। अब देखो कि BD अपॉन DA कॉमन है, सो बाय इक्वेशन वन एंड टू क्या लिख सकते हैं कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो देखो हमको जो प्रूफ करना था वो मिल गया है, सिंपल सा स्टेप है। हमको बोला है कि ये एक लाइन ये एक लाइन से पैरेलल है, तो वो जो ट्रायंगल बनेगा उसमें हमको बस ये BPT अप्लाई कर लेना है, फिर DE इज पैरेलल टू AC, तो पूरा ट्रायंगल ले लिया मैंने और फिर से मैंने BPT अप्लाई कर लिया और मैंने देखा कि ये कॉमन आ रहा है तो मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरा काम हो गया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट्स एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्या है इस एग्जाम्पल में हमको क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। अब हमको बोला है कि इसमें जो दो डायगोनल्स बनेंगे हमारा DB है और हमारा AC है वो पॉइंट टू पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD है वो है एक ट्रेपेजियम है। इसके लिए हमको एक कंडीशन दी हुई है वो प्रूव करने के लिए, क्या है कि AO अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन DO, ये हमको कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए मैं पहले कंस्ट्रक्शन करूंगा, ओ से एक पॉइंट ई तक एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, और मैं ये बोलूंगा कि ये जो ई ओ है इस पैरेलल टू ए बी, ये मैं पहले बोलूंगा। तो पहले हम सॉल्यूशन पे आते, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब हम सॉल्यूशन पे आते, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा कि पहले हमको ये कंडीशन दी हुई कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन सॉरी डी ओ, ठीक है। इसको अभी हम अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, मतलब ये जो दोनों साइड है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो गए बाय बीपीटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है, ये तो मैं बोल ही सकता हूं बाय बीपीटी। ओके,
अब हमें आगे क्या करूंगा कि ये जो कंडीशन दी हुई वो क्या है कि AO अपॉन OB और CO अपॉन DO। अब मैं क्या कर रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये BO को यहां पे ले जाऊं और CO को यहां पे ला रहा हूं, तो इससे क्या होगा, विच इंप्लाइज AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। और मैंने ये क्यों किया, यहां पे ध्यान से देखो, ये DO है, यहां पे भी DO है, ठीक है, OB BO OB एक ही होता है, ठीक है, ये दोनों सरखा हो गया है तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है, तो हम पहले इसको उल्टा लिख लेते हैं कि जिससे हम सब्स्टिट्यूट कर लें, DE सॉरी हमारा उल्टा कर रहे हैं, तो EA अपॉन DE इक्वल्स टू DO अपॉन OB, ये हम इक्वेशन टू मान लेते हैं, इक्वेशन वन मान लेते हैं। देयरफॉर अब बाय इक्वेशन वन एंड टू क्या बोल सकता हूं, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकता हूं कि EA अपॉन DE इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब यहां पे डायग्राम में देखते हैं कि कौन सा हमारा पेयर इक्वल हो रहा है, कि EA अपॉन DE, EA अपॉन DE ये वाला लाइन इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, तो ये ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। देखो अब ये ट्राइंगल की बात हो रही है और इसमें क्या बोला है कि ये दोनों जो लाइन है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है, देखो यहां पे ये कंडीशन है, और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं क्या बोल सकता हूं कि ईओ इज पैरेलल टू डीसी, यहां पे कन्वर्स हमारा थ्योरम लग रहा है क्योंकि ये प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है, हमारा कंडीशन है, तो मैं इस कंडीशन से बोल सकता हूं कि ईओ इज पैरेलल टू डीसी। अब रब कर लेता हूं, ये आखिरी स्टेप होगा हमारे इस एग्जांपल का, हमको क्या पता है कि मैंने पहले कंस्ट्रक्ट किया था कि EO इज पैरेलल टू AB, ठीक है, और हमने अभी फाइंड किया है कि EO इज ऑल्सो पैरेलल टू DC, सो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू DC, EO इज पैरेलल टू AB एंड EO इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर वी कैन से दैट EB AB इज पैरेलल टू DC, और हमने एक लाइन को पैरेलल प्रूव कर दिया है, और हमको पता है रिप्रेजेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि हमको वन पेयर ऑफ साइड को पैरेलल प्रूव करना है, और हमको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी तो पता है कि हमको वन पेयर ऑफ साइड को पैरेलल प्रूव करना है, तो मैंने वो प्रूव कर दिया है, एपी एबी इज पैरेलल टू डीसी, सो बाय दिस वी कैन से दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ये हमारा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने आखिर तक वीडियो देखा है तो आपका तो बहुत शुक्रिया करूँगा कि आपकी वजह से मेरा चैनल बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा जो मेरा वीडियो आखिर तक देखा है, सो उनको तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से बोलूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।